और एक बात मेरी और लिख के रख लेना, बड़ा हूं तुम सबसे, कि जिसने अपने पेरेंट्स का रिगार्ड किया तहा जिंदगी, वो कभी जिंदगी में गिर नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूं। काफी बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको करने नहीं देते, रोक लेते हैं। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको उधर ही जाने देना चाहिए, ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। हमने भी संदीप के साथ ऐसे ही किया था। इनका शुरू से इंटरेस्ट था फोटोग्राफी की तरफ, जबकि फोटोग्राफी दूर दूर तक हमारी फैमिली से कोई रिलेटेड थी नहीं, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इनको कि भाई, इन पे विश्वास किया हमने हमेशा। मुझे विश्वास ये था कि मैंने ये जो कह रहे हैं ना, ये हवाबाजी नहीं करते कि एक हवा में उड़ा दिया, हाँ मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं वो कर दूँगा, आप इतने पैसे दे दो बस मैं कर दूँगा, डबल करके ला के दे दूँगा, वो हवाबाजी कभी नहीं करते थे। तो मुझे इन पर विश्वास बन चुका था। फिर मैंने कहा देखो, समय के हिसाब से लाइनें बदली जाती हैं। हमारी फैमिली में भी काफ़ी सीए हैं, काफ़ी लोगों ने बड़ी पढ़ाइयाँ करी हैं, तो हम भी अगर चाहते हैं संदीप के पीछे पढ़ते हैं, भाई तुम भी सीए बनो, ये मत करो, इसमें क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, तो हमने कभी नहीं टोका। और मैं ऐसे पेरेंट्स से कहता हूँ, कभी बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए, टोकना भी नहीं चाहिए। ये मैं आज मन की बात आपको बताता हूँ कि अपने बच्चों में विश्वास रखना चाहिए पेरेंट्स को। हर समय ये नहीं कि उन पर शकी करते रहो, ये क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए कर रहा है, ये ना कर दे, डुबवा ना दे। चेकिंग रखनी चाहिए, पेरेंट्स का फर्ज है बच्चों पर चेकिंग रखनी चाहिए। पूछने का भी फर्ज है, पूछें भी कि बेटे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारा एम है, सब जानकारी माँ बाप का फर्ज है, ये ड्यूटी है उनकी, जानकारी पूरी रखें। लेकिन अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना, वो कर रहा है करते करते उस पर अगर वो बीच में कहीं अनसक्सेस हो भी गया तो उसके ऊपर हावी हो जाना, देख ले मैंने तेरे को मना किया था ये मत कर, तो बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है। फिर वो किसी काम में घुस रहा, देखो असफलता और सफलता तो लाइफ में आती है। अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना बच्चे के कैरियर से खेलना है, मेरे हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी, एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं मैं। मेहनत तो जरूरी है ही हर जगह, हर फील्ड में, और ईमानदारी से मेहनत। इस सब के बावजूद अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करते हो और उनका हर तरह से ख्याल रखते हो, उनका हर वक्त आशीर्वाद लेने के लिए आगे रहते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन नहीं, महीने नहीं, दो महीने नहीं, एक दिन सफलता आपके पैर चूमेगी। होता क्या है, लोग जब सफल होने लगते हैं ना, थोड़ा काम चलने लगता है तो माँ बाप को समझते नहीं कुछ भी, उन्होंने आपको जन्म दिया है, लाके खड़ा किया है, जिस स्टेज पे लाके उन्होंने खड़ा किया है उनकी कृपा से हुआ है ना सारा। जब उन्हीं की आप केयर नहीं कर रहे, उन्हीं की पूजा नहीं कर रहे, उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो लाइफ में आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी।